आपके एनडीए में जो सिलेबस आता है वो आपने देख लिया, 50 क्वेश्चंस, उसमें से 30 क्वेश्चंस केवल वोकेबुलरी पर होते हैं, पता है ना आप सभी को। आपको पता है पेपर का पैटर्न? गलत बात। हाँ कल चल रहा है, गुड, फिर भी अलर्ट रहो, ठीक है, फिर भी सावधान रहो, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसका ध्यान रखो, ठीक है। तो आपके जो आता है वो 80% या 70% मानिए आप, आपके वोकेबलरी आता है उसको रिच करना है, ठीक है। ग्रामर साथ में चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वोकेबलरी अभी कंटिन्यू रखते हैं, इससे हम बढ़ते जा रहे हैं। आपके वोकेबलरी में क्या क्या आएंगे पता है? 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियां, वो आएंगे। अभी उन्हीं पर काम चल रहा है, राइट, ठीक है। अभी हम बात करें केवल वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी में अभी कल हमने कुछ फ्रेजेस लिए थे, आज कुछ और फ्रेजेस लेते हैं, ठीक है। नंबर वन इसमें लेंगे यहां पर, ए क्राई इन द विल्डरनेस, मुहावरा। जब भी कुछ लिखता हूं बोर्ड पे, आप उस पर यह भी ध्यान लगाया करो कि वो लिखा क्या है, उसको बोल के भी देखा करो, ठीक है, जरूरी होता है। सो ए क्राई इन द विल्डरनेस, इसका मतलब क्या होता है? आप जहां कोई नहीं वहां जाकर चीखोगे, चिल्लाओ, क्या मिलेगा वहां? कुछ नहीं मिलेगा ना, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, राइट। इसका अर्थ होता है ऐसा कोई काम जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, उसे कहते हैं ए क्राई इन द विल्डरनेस। क्या कहते हैं बोलो, राइट, ऐसे ध्यान रखा। इडियम फ्रेज पढ़े हैं बचपन में, स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं आपने, मुहावरे वगैरह पढ़े हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोलते, यस सर, नो सर, मुंह नहीं खोलते तुम लोग, डिफेंस में जा रहे हो, कैसे बोलना चाहिए? यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम है कुछ? कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर दिया करो। सो ए क्राई इन द विल्डनेस का मतलब होता है ए यूजलेस या फिर फ्रूटलेस टास्क, आप फ्रूटलेस भी कह सकते हैं। फ्रूटलेस का अर्थ होता है निष्फल, एक ऐसा काम जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, काइंड ऑफ, हालांकि रिजल्टलेस ऐसे कुछ बनता नहीं है, तो फ्रूटलेस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फ्रूटलेस एक तो फल को कहते हैं, एक फ्रूट कहा जाता है फल परिणाम को भी कहा जाता है। तो ए फ्रूटलेस टास्क का मतलब होता है ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। ए यूजलेस टास्क, इसका अर्थ होगा एक निष्फल कार्य जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जिसका कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसे काम को कहते हैं यूजलेस या फ्रूटलेस टास्क। ए क्राई इन द विल्डरनेस, ए क्राई इन द विल्डरनेस, राइट। और विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? जंगल, सुनसान, खाली जगह, उसे विल्डरनेस कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक मुहावरा और होता है, हिंदी में क्या लिखा आपने? हिंदी में क्या लिखा है एग्जाम में? हिंदी में आएगा? आएगा हिंदी में? आज एग्जाम में हिंदी में आएगा कुछ? हिंदी में कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, सब कुछ किसमें मिलेगा? इंग्लिश में। इंग्लिश का मैटर सारा का सारा इंग्लिश में मिलेगा। तो पहले कोशिश क्या करो, इंग्लिश का इंग्लिश में जानने की कोशिश किया करो, राइट। और अब अगर बिल्कुल पहली बार पढ़े तो हिंदी भी लिख लिया करो। मान लो आपने पहली बार ही पढ़ा है तो आपको लग रहा है हमें हिंदी भी पता होनी चाहिए, तो उसमें लिख सकते हैं एक व्यर्थ का कार्य। कैसा कार्य? एक व्यर्थ का कार्य, उसे कहते हैं। पर फोकस आपका हिंदी पर नहीं होना चाहिए, ये तो केवल समझने के लिए, बाय द वे, थोड़ा सा याद रहे, ध्यान रहे, ध्यान इस पे रहना चाहिए इंग्लिश वाले पर, जो तो एग्जाम में इंग्लिश में पूछेगा आपसे। अच्छा नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स्ट्रा है ये तो हटा। अच्छा आप क्या पूछ रहे हो? ओके ओके, वो आपसे पूछेगा, इसका मीनिंग पूछेगा आपसे, कि इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछेगा आपसे। बॉय थोड़ा पानी है क्या? अच्छा यहाँ है, रहने दो, चलिए, राइट। वो आपसे ऊपर वाले का मीनिंग पूछेगा एग्जाम में, और फिर चार ऑप्शन दे देगा, ये लिख दिया, उसके बाद पूछेगा इसका मीनिंग बताइए, चार ऑप्शन क्या होगा। ए क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब ए फ्रूटलेस टास्क, विच टास्क?
डिफिकल्ट डिफिकल्ट था या फ्रूटलेस था? लिखा हुआ शायद आपने, ठीक है। डन, याद रहेगा। ऐसा एक मुहावरा और है, ए वाइल्ड गूस चेज। वही है ना, फ्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। फ्रूटलेस को फ्यूटाइल भी कह सकते हैं, FUTILE, फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल का अर्थ क्या होता है? फ्यूटाइल का अर्थ यूजलेस, क्या कहेंगे? यूजलेस कहते हैं उसे, फ्यूटाइल। स्पेलिंग क्या है? और फर्टाइल क्या होता है? FERTILE। और फ्यूटाइल क्या होता है? अलग अलग है। फर्टाइल होता है उपजाऊ, राइट? एग्जाम में आएगा उपजाऊ ऐसे आएगा, तो फिर आप शांत कैसे हुए? आपको से इंग्लिश में बताओ, एग्जाम में इंग्लिश में आएगा। फर्टाइल का हिंदी अर्थ होता है उपजाऊ, पर एग्जाम में इंग्लिश में हिंदी में नहीं आएगा। एग्जाम में इसका पर्यायवाची होगा फीकंड। क्या होगा? फीकंड। स्पेलिंग क्या है? FECUND, फीकंड, राइट? तो फर्टाइल और फीकंड दोनों सिमिलर है, पर्यायवाची शब्द है, इनका अर्थ उपजाऊ। एक शब्द और ले सकते हैं, फ्रूटफुल। क्या ले सकते हैं? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल भी इसी का सिमिलर होता है, किसका? फिकंड। तो तीनों सिमिलर हैं, फर्टाइल, राइट, और फिकंड और फ्रूटफुल, तीनों सिमिलर हैं। और फ्यूटाइल क्या होता है? यूजलेस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और फ्रूटलेस भी तो कह सकते हैं ना, दोनों सेम। हिंदी में कहते हैं व्यर्थ का, क्या बोलते हैं? व्यर्थ का, या व्यर्थ, बेकार, उसका तो उपजाओ, ऐसे ध्यान रखा तो, ठीक है। ये आसम मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम में, किस मिलेंगे? सिनोनिम और एंटोनिम में मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको इडियम फ्रेज में, किस मिलेंगे? इडियम फ्रेज में। ए वाइल्ड गूस चेज, ये एक और मुहावरा आ गया है, एक ऐसा काम जिसका कोई परिणाम नहीं निकले, इसी का सिमिलर मान लो। ये मुहावरा और ये मुहावरा, दीज टू इडियम्स आर द सेम इन मीनिंग, आर सिमिलर इन मीनिंग, दोनों का समान होता है। वाइल्ड गूस चेज, जंगली बतख का पीछा करना। जंगली बतख बहुत तेज दौड़ती है, राइट, वो आपके हाथ नहीं आ सकती, उसका पीछा नहीं किया जा सकता। इसे अगर आप उसका पीछा कर रहे हो तो आपके हाथ नहीं आएगी, ठीक है। क्या आप लोमड़ी को पकड़ सकते हो? नहीं, वो तेज भागती है। हिरण को पकड़ सकते हो? नहीं, वो तेज भागता है। ऐसे ही एक जंगली बतख, गूस, गूस क्या होता है? बतख, उसका बहुवचन पूछ लेता कभी कभी, क्या होता है? गीस। क्या होता है? गीस। गूस का प्लुरल क्या होता है? प्लुरल होगा गीस, राइट। ए वाइल्ड गूस चेज, ये आ गया आपका। इलॉजिकल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉजिकल रैशनल, रैशलेस कह सकते हो। रैशलेस होता है बिना सोचे विचारे किया हुआ, राइट। लेकिन ज्यादा सही होगा इसका यही, ये इस दोनों के मीनिंग सेम है, इस मुहावरे का इसका मीनिंग सेम है। ए वाइल्ड गूस चेज कर लेंगे, ए वाइल्ड गूस चेज, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसका? हमारा नाम नीरज, लोकेश, लोकेंद्र, मदन। ओहो, मदन, मदन का इंग्लिश हिंदी अर्थ जानते हो? क्या होता मदन? नहीं जानते? द गॉड ऑफ सेक्स, काम देवता को कहते हैं मदन। किसको कहते हैं? काम देवता, राइट। द गॉड ऑफ सेक्स इज मदन। तुम्हारा क्या नाम था? नीरज, लोटस, कमल को कहते। तुम्हारा लोकेंद्र यानी भगवान, लोक का राजा, लोक यानी दुनिया, दुनिया का राजा को गॉड, राइट। तुम्हारे नाम का मतलब क्या? गॉड। तुम्हारे का अर्थ लोटस, तुम्हारे का अर्थ गॉड ऑफ सेक्स, राइट, मदन। वेल, सो ये एक और मुहावरा हो गया, आप कर लेंगे, याद रहेगा।
क्या एक बार मदन पढ़ के सुनाओ इसको, क्या लिखा है पढ़ो इसको, क्या लिखा है इसको, ए वाइल्ड गूस चेज, इसको पढ़ो, ए क्राई इन द विल्डरनेस, यही तो होगा ना, क्यों भाई बोले में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए बोल ना बोल पा रहे हो, इसको बोलो क्या कह रहे, वही तो सीखना है, आगे आओ, उधर नहीं बैठना, तुम्हारा प्रमोशन करना पड़ेगा, ये क्या बात है, इंग्लिश नहीं आती है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं अभी कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए आए हो, एनडीए, तो नहीं अभी तैयारी किसकी करने आए यहां पर, अच्छा आप शाम को आते हो, अच्छा आप तो ऐसे बैठ गए हो, ओके फिर देखो, फिर मुझे लगा कोई तैयारी कर रहे हो, इट्स ओके, फिर कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये वन और टू हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पर नंबर थ्री, अच्छा तभी आप आगे आप पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ लो बेशक, हाँ हाँ पढ़ लेना, आपको पढ़ना पढ़ लेना, मुझे लगा आप इस सब्जेक्ट के हो इसलिए पूछ लिया, ठीक है नंबर तीन पर लेते हैं, इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे ये आ गया मान लीजिए बॉल्स हैव ईयर्स, ये भी सुना होगा आपने, द लगा सकते हो इसमें, द बॉल्स हैव ईयर्स, राइट, इसका मतलब है ए सीक्रेट इज लाइकली टू बी रिवील्ड, राइट, एक रहस्य जो है उसके उजागर होने के चांस हैं, मतलब इसका ये हो गया, वॉल्स हैव ईयर्स का मतलब ये हो गया कि नो सीक्रेट इज हिडन इफ इट इज हैंडल्ड केयरलेसली, यदि आप उसे किसी सीक्रेट को लापरवाही से हैंडल करते हो तो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा, वो बाहर भी जा सकता है, राइट, तो द वॉल्स हैव ईयर्स का मतलब ये होता है कि एक सीक्रेट ड्रेस मस्ट बी, और यहां लिखा है डिस्कस्ड और रिवील्ड केयरफुली, जब किसी को आप कोई रहस्य बताते हो तो बड़े ध्यान से बताना चाहिए, क्योंकि वो बाहर निकल सकता है, इसे कहते हैं वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर चार पर लेते हैं, एक पुराना मुहावरा आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, वो गडरिया और भेड़िया, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, जिसमें वो एक गडरिया होता है, वो चिल्लाता है, झूठ बोलता है, भेड़िया आया, भेड़िया गांव वाले लठ लेकर आते हैं, कहाँ है कहाँ, वो कहते मैं तो मजाक कर रहा था, फिर वो अगली बार फिर ऐसा ही करता है, दो तीन बार के वास्तव में आ जाता है, फिर कोई नहीं आता, कैसे चिल्ला रहा बक बक कर रहा होगा, राइट, उसी के लिए मुहावरा है क्राई वुल्फ, कौन सा मुहावरा है क्राई वुल्फ, इसका अर्थ क्या होता है, ये मुहावरा है, ये क्राई यहां पर वर्ब है, अच्छा पीछे वाले जो क्राई आया था ये क्राई नाउन थी, बताओ कैसे कह दिया मैंने नाउन है, ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आती है, यहां पर ए क्राई, यहां पर क्राई नाउन है, और ये वाला क्राई देखो आप, ये क्राई वर्ब है, इसका अर्थ होता है झूठी चेतावनी फैलाना, क्या होता है इसका दूसरा हो जाएगा रेज ए फॉल्स अलार्म, अलार्म होता है चेतावनी, हिंदी में लिख लो झूठी चेतावनी फैलाना, और इंग्लिश में लिखेंगे रेज ए फॉल्स अलार्म, फॉल्स यानी झूठा, ठीक है, क्राई वुल्फ नंबर पांच, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट, स्प्लिट नहीं कह रहा हूं, दो शब्द होते हैं,
स्प्लिट और एक होता है स्प्लिट। स्प्लिट होता है दो भागों में चीर देना, दो भागों में उसे स्प्लिट करना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। और ये स्प्लिट है, ये थर्ड फॉर्म की तरह काम करता है। किसकी थर्ड फॉर्म? स्पिल के। तो स्प्लिट स्पिल स्प्लिट स्प्लिट। स्पिल होता है किसी द्रव पदार्थ का फैल जाना। गांव में एक शब्द चल ढुलना, दूध ढुल गया, सुना है? वो ढुलना जो है किसी द्रव पदार्थ का या सेमी लिक्विड चीज का फैल जाना, उसे कहते हैं स्पिल। सेकेंड थर्ड में क्या होती है? स्पिल्ट स्पिल्ट। इसका अर्थ होता है किसी लिक्विड या सेमी लिक्विड का फैल जाना। जैसे द मिल्क स्पिल्ट, दूध फैल गया, अंग्रेजी क्या बनेगी? द मिल्क स्पिल्ट, ये बनेगा ना। तो इसका अर्थ है फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। और ये स्प्लिट होता है, इसका अर्थ होता है बिकम डिवाइडेड, राइट, और बाइफरकेट। बाइफरकेट क्या होता है? दो भागों में चीर देना। बाइफरकेट होता है बी आई एफ यू आर सी ए, बाइफरकेट। सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, दो अलग अलग शब्द। अब यहां पर कौन सा आया? ऊपर वाला आया, आया ना। तो क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, फैले हुए दूध पर चिल्लाना, रोना, मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। क्या उसको कोई फायदा मिलता है? नहीं। रिपेंट यूसलेसली, रिपेंट होता है पश्चाताप करना, सही है। रिग्रेट भी कह सकते हैं। हाँ, तुम्हारे दिमाग कोई शब्द आ रहा शायद, बोलो कुछ। अच्छा, आसपास है, वो घर में आए नहीं, अभी अंदर है। तो रिपेंट होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट भी होता है पश्चाताप करना, राइट। स्पेशली यूसलेसली, क्या उसका कोई फायदा होगा? यूसलेसली, तो रिपेंट और रिग्रेट ये लिख लो उसका, ठीक है। क्राई, हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है, अच्छा पॉइंट लिया तुमने। क्राई ओवर ए पास्ट इवेंट, पास्ट इंसिडेंट, भूतकाल किसी घटना पर रोना। और मैं लिख दिया पश्चाताप करना। अब पश्चाताप भविष्य को लेकर होता है, भूतकाल को बताओ? पश्चाताप किए हुए का होता है या जो होगा उस पे होगा? पास्ट पे होता है ना। किए हुए पे जो होता है वो क्या होता है? वो होती चिंता, एंग्जाइटी, राइट, वरी। भविष्य की चिंता करते हैं और भूत का पश्चाताप करते हैं। तो रिपेंट और रिग्रेट, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ये अंग्रेजी में कहा, स्पिल्ट का मतलब फैला हुआ, बिखरा, भाई दूध फैल गया। अब उसमें आप रो रहे हैं, दुहाय रे दूध फैल गया, कोई फायदा है? नहीं है ना। इसका मतलब होता है रिपेंट यूसलेसली और रिग्रेट यूसलेसली। ओवर लगा दो, ये लगा दो, क्राई ओवर या वेल ओवर, ये भी लिख सकते हो, वेल ओवर द पास्ट और इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होती है? घटना। इंसिडेंट क्या होती है? ठीक है, कर लोगे? क्राई ओवर ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सिक्स, ये वाला करा दिया आपको, हैव कोल्ड फीट। इसका मीनिंग क्या बताया था? हैव कोल्ड फीट, इसका हमने लिया था किसी चीज के प्रति डिसइंटरेस्टेड होना, ये शायद लिया था हमने एक पॉइंट, हैव कोल्ड फीट। चिंता, चिंता करना, घबरा जाना, ठीक है भाई। बताओ, हैव कोल्ड फीट का अर्थ ये हो गया बी नर्वस या बी एंक्शस, हिंदी में हो जाए घबरा जाना, ठीक है, हो जाएगा ना। जैसे ये देखो आप, बिफोर द मैरिज द बॉय हैड कोल्ड फीट, बताओ सही है कि नहीं? शादी से पहले लड़का थोड़ा घबराया हुआ था, कोल्ड फीट।
अब एग्जाम में ये लो, इसका पूछ लिया, अगर इतना ही पूछता है इतना, तब तो इसका मतलब होता है एंग्जाइटी या नर्वसनेस। अगर हैव से पूछता है, कभी कभी हैव के स्थान पे गेट भी आ सकता है, क्या सकता है, गेट, गेट कोल्ड फीट, हैव कोल्ड फीट भी आप कह सकते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल का, बिफोर द मैरिज द बॉय, सॉरी द बॉय हैड कोल्ड फीट, लड़का थोड़ा घबरा गया था, नर्वस था, इसका हिंदी अनुवाद होगा, क्लियर। जैसे आई हैड कोल्ड फीट बिफोर माई इंटरव्यू, इंटरव्यू से घबराहट होती है ना, सबको ही होती है, किसी को बैठा दो आप, प्रधान को, मंत्री को बैठा दो कि साहब इंटरव्यू आ जाए, आपका हालत खराब हो जाएगी, आप पसीना आ जाएगा बगल में ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरव्यू नाम ही ऐसा है, राइट, ध्यान रखना। तो बिफोर द मैरिज द बॉय हैड कोल्ड फीट, स्केयर थोड़ा ज्यादा हो गया, हम स्केयर होते हैं जब कुछ बुरा होने वाला, ये बुरा थोड़ी होगा, ये तो बस अच्छा होगा, पर आप थोड़े घबरा रहे हो, राइट, मैं छोरे का ब्याह हो रहा है, अच्छी बात हो रहा है, राइट, घर बसने जा रहा है, ईट लाइक अ, ईट लाइक अ बढ़िया, ड्रिंक लाइक अ फिश, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा खाना, कहां पर आ गए, किसमें, पेपर में दिखाओ, ऑप्शन है, पेपर दो मुझे, उसमें नहीं आएगा तुम्हें, उसमें आएगा भी नहीं, राइट, उसमें नहीं आएगा, कारण क्या होता है, जब तक यहां हो गए ना, यहां तो आप लपालप लगे, अरे हाँ यार सही है सही है सही, ऐसे करोगे आप, ठीक है, वहां नहीं होगा ऐसा बुक में, तभी तो आपको यहां की आवश्यकता की, अगर बुक से हो जाए तो नहीं, हाँ इसमें आ जाएगा, ईट वेरी क्विकली, ईट कंडीशन एट, ईट वेरी लिटिल, ये आ जाएगा डी, ईट वेरी लिटिल, थोड़ा थोड़ा अगर खाना, ईट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना। एक और दे रखा है इसने कि ये कब का पेपर है, अभी का, कब हुआ था, अभी ये 4 तारीख को, एक देखो ये कई बार आ चुका है, पहले वाला मैं लिख देता हूँ, और अभी ले लें, ये कई बार आता है, अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, ए क्वियर फिश, क्वियर होता है अजीब, क्या होता है, अजीब होता है ना, उसे कह यार अजीब है, वो क्वियर होता है। अब इसका इसने पूछा स्ट्रेंज पर्सन, यही आंसर है, पहला ही है, क्या होगा इसका, ए स्ट्रेंज और पर्सन, इसका दूसरा वर्ड हिंदी में लिख लो एक अजीब आदमी, मैंने कहा योर फ्रेंड इज ए क्वियर फिश, तुम्हारा दोस्त बड़ा अजीब आदमी है, तो मैंने कहा योर फ्रेंड इज ए क्वियर फिश, राइट, अब फिश या मछली के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, पर्सन के लिए आया, अ क्वियर फिश, ओके। एक और इसने ईट लाइक ए बर्ड, इसमें हो जाएगा ईट वेरी लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके खाना, ठीक है, और बी इन द रनिंग, कल तुम रेड कह रहे थे ना, अच्छा बी इन द रेड, बीइंग कॉट, ये बी टू बी इन डेंजर ऑफ बीइंग कॉट, ये होना चाहिए ऊपर, बी इन द रनिंग, बी इन ए वेरी बैड स्टेट टू स्पीक, पावरफुल पोजिशन, गुड पोजिशन टू विन, लूजिंग पोजिशन, बी इन द रनिंग, सी लगाया ना तुमने, सही आंसर आपका, बी इन द पिंक, ये तो हेल्थी के लिए आ जाएगा, बी इन द पिंक लिख लो, बी हेल्थी, स्वस्थ होना, बी इन द पिंक, बी इन द पिंक, जैसे द मैन वॉज इन द पिंक, हम कह रहे हैं देखो खाका के गुलाबी हो रहा है एकदम, चेहरा गुलाबी हो रहा है, मतलब माल खाता है खूब, नहीं तो बी इन द पिंक, या गेस इसका तो बी हेल्थी, और अर्ली बर्ड, एंशंट एवियन, नहीं फर्स्ट अराइवल, लेटेस्ट, या लेटेस्ट होना चाहिए इसका, एंशंट एवियन कर दिया तुमने, प्राचीन पक्षी, इसका लेटेस्ट या फर्स्ट अराइवल,
इसका ये डी होना चाहिए, फर्स्ट अराइवल। क्या होगा? पहले पहुंचता जो, उसको कहते हैं अर्ली बर्ड। प्रथम आगमन किसका हुआ? वो अर्ली बर्ड। तो अर्ली एक अंग्रेजी में मुहावरा लिखता हूं, देखो आप, राइट। जैसे यहां देखो, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। वर्म होता है कीड़ा, कि जो पक्षी पहले आके चुगा चुगता है उसे कीड़े खाने को मिलते हैं, मतलब माल मिलता है। ये अंग्रेजी में कहावत है, एन अर्ली बर्ड, या दी भी हो सकता है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। वर्म क्या होता है? कीड़ा, राइट। तो यहां पर एन के स्थान पर द भी लगा सकते हैं, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये है। अब अर्ली बर्ड का मतलब जो पहले पहुंचता है, तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट अराइवल, डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? डी। लॉक हॉर्न्स का आप लिखा, बी लाइक ए बुल, आर्ग्यू अबाउट समथिंग, आर्ग्यू विद समवन, थिंक अबाउट द हॉर्न्स, सी किया है ना, बिल्कुल सही। कल गया था लॉक हॉर्न्स का, बताया था तुम्हें नीरज, क्या बताया था? आर्ग्यू या फाइटिंग, इसमें लिखा आर्ग्यू अबाउट समथिंग, आर्ग्यू विद समवन, दो दे रखे हैं, बताओ क्या होगा? Argue about something, किसी बारे में बहस करना या किसी से बहस करना? किसी से बहस करना। लॉक हॉर्न्स दो लोग होने चाहिए ना, सिंह बिड़ाएंगे तो एक और अच्छी बंदा, इसलिए लॉक हॉर्न्स। तो यहां पर उसका आगा आपका सही है, सी वाला, बिल्कुल ठीक है। 22nd का आपने गलत कर दिया, 21 छोड़ दिया था क्या? नहीं, ऑप्शन में छांटना पड़ेगा जो दिया उसने ऑप्शन में। आपने क्या बताया? लॉक हॉर्न्स नहीं, इसका जो दे रखा है ना वो यही है, किसी से भिड़ जाना, मुठभेड़ करना, राइट। हाँ, मतलब से भिड़ना, पर होना चाहिए आपके ऐसे ही, आप जैसा ही, उसे कहते हैं। हॉर्न्स होते हैं सींग, कल बताया था ना। अब दो पशु लड़ते हैं, सींग भिड़ाते हैं, ऐसे लड़ते ना, तो एक और बंदा चाहिए ना लॉक हॉर्न्स के लिए, तो किसी से बहस करना, ये इसका धन्यवाद होगा। बीन द पिंक हो जाएगा टू बी हेल्थी। बीन द रनिंग का आपने लिखा है यहां पर, बी इन अ स्टेट इन द रनिंग, इन द रनिंग का इसने लिया है जब जिसका जो है जीतने के लायक होना। तुमने सही लगाया, सी आंसर सही है इसका, राइट। लिखा है इन ए गुड पोजिशन टू विन, जीतने की संभावना में होना। कई बार नहीं कहता, अभी तो रनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा आपका। एक बहुत बढ़िया मुहावरा आया यहाँ पर, ये हटा दूँ, ये लिख लिया मुहावरा, लिख लिया, क्यों नहीं लिखा, इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है ये लिखो सब। और ये लिखा था बीन द पिंक, ये लिख लिया, ये आपको बता ही दिया है। एन अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, द वर्म, डब्ल्यू आर एम, वर्म होता कीड़ा, लिख लिया तुमने, ओके। ये थोड़ा अलग है इन द रेड का, ये वो वाला होगा, इसमें लॉन वाला ए हो जाएगा। किसका? इसका इसमें लिख लो एन, मैं लिख देता हूं, एन अर्ली राइजर डज द मोस्ट, या फिर जो सबसे पहले उठता है वो ज्यादा काम करता है। दिन भर में ज्यादा काम कौन करे? जो सबसे पहले उठा वही तो करेगा ना। इसका हो जाएगा एन अर्ली राइजर, राइजर का उठने वाला, डज द मोस्ट, सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। हाँ, मैं ले लेता हूं अभी, ये हटा दूं। एक ये भी लिख लो इसमें, टू बी इन द रेड, इसका मतलब ऋणी होना, कर्जदार होना, राइट। लिख लो टू बी इन डेट, डेट होता है कर्जा, इसमें बी नहीं बोला जाता है, डेट होता है, डेप्ट नहीं होता, ध्यान रखना।
इसका हो जाएगा टू ओ मनी टू ए बैंक, सी बैंक का कर्जदार होना, यही तो होगा ना, तो इसमें ए आंसर होगा, ठीक है। और एक और दिया इसने, ये कर लिया आपने, एक और लिख उसमें, बी इन द सेवंथ हेवन, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, डन। क्या लिखा आपने, सेवंथ हेवन, राइट, इसका मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी या फिर टू बी ऑन क्लाउड नाइन। एक और मुहावरा लिख लो, ये मुहावरा है दूसरा, ऑन क्लाउड नाइन, हाँ हम लोग कहते हैं ना सातवें आसमान पे है इसका दिमाग, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है। और आंसर देखो, टू बी एक्सट्रीमली सॉरी वाई सैड हैप्पी, डी, डी में क्या होगा, टू बी, इसने जो दे रखा है वो बता रहा हूं, ठीक है, इसने ऑप्शन में दे रखा है डी, डी में लिखा है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये इसने दे रखा डी ऑप्शन, ये सही है, राइट, ये मैंने उसको वेरी लिख दिया, नो प्रॉब्लम, राइट। अब दो मुहावरे आपके सामने हैं, ये टू बी इन द सेवंथ हेवन और ऑन क्लाउड नाइन, ये दोनों सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर हैं। हिंदी में होगा बहुत उत्साहित होना, बहुत ज्यादा खुश होना, आपका सिलेक्शन हो जाए तो हाँ फूल आना समाना, बहुत बढ़िया, वही इसका हो जाएगा, ठीक है ना, वो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, कर लोगे। टू बी इन द पिंक बता दिया, लॉक हॉर्न्स, ईट लाइक अ बर्ड, बी इन द रनिंग, एक और देखो आया, अच्छा मुहावरा है, ए पर्ल ऑफ विजडम, ए पर्ल ऑफ विजडम, इसका अर्थ होता है एक अच्छी सलाह, यस, पर ए नहीं लगा सकते ना, पीस लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस या गुड एडवाइस, आंसर इसमें ऑप्शन में आ रहा है एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, ये दे रखा है इसने, एन इंपॉर्टेंट जोड़ दिया, एक ही बात है, इसका मैं हिंदी अर्थ लिख लो, एक सलाह, अच्छी सलाह, और एक दिया इसने ए सी चेंज, सी चेंज का मतलब सी छोटा होता है बड़ा होता है, और चेंज का मतलब सी का मतलब समुद्र, समुद्र बहुत बड़ा होता है, चेंज यानी बदलाव, तो एक बड़ा बदलाव, राइट, चेंज इन द सी टाइड, कंप्लीट चेंज लाइक सी चेंज विद पोल्यूशन, कंप्लीट चेंज, बी होगा इसका, कौन सा हो जाएगा, बी, ए कंप्लीट और चेंज, ठीक है, ए कंप्लीट चेंज, ये इसका हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, छोड़ दिया था तुमने, अच्छा पकड़ ऐसी बनाओ जहां से जो भी आज सब उठा लाओ, सब पूछो, सब बात करो, क्योंकि एक बार पढ़ा भी होगा ना आपने, एक बार भी अब गैस भी सही जाएगा आपका, समझ रहे मेरी बात को, इसलिए छोड़ने की, जैसे तुमने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए, इसमें से एक दो तीन चार, कितने छोड़े, तो फिर तो पांच हो गए, अब दस में से पांच छोड़ दिए, क्या बच्चा, समझ रहे मेरी बात को,
नहीं छूटेगा नहीं देता, वो तो आप गलत करो तो नेगेटिव होगा ना भाई। पांच क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, सी चेंज तो बताया हुआ था ना आपको, नहीं पक्का? सेवंथ हेवन, हाँ नहीं नहीं वो दूसरा है, वो तो ये है इन सॉरी एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये है ये है, लिख लो बैठे क्या रहे हो, एट सिक्सेस एंड सेवंस अलग से लिख देता हूं, रुको ये उतार लिया सब आपने, कॉपी कर लिए हटा दूं, अब इसको दोबारा लिख रहा हूं रुको मैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना, दूसरा कर दो इन डिसऑर्डर, क्या करेंगे इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ऑर्डर एक क्रम भी होता है क्रम, मैंने पुट दीज बुक्स इन ऑर्डर, इनको क्रम से रखो, एक ऑर्डर आदेश वाला होता है, एक ऑर्डर का मतलब क्रम भी होता है सीक्वेंस, यस स्पेलिंग से मीनिंग नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है, गांव से लड़के आते हैं तो वो उनको बताया मीनिंग कहते हैं, स्पेलिंग को मीनिंग कहते हैं, किसको कहते हो स्पेलिंग, किसको स्पेलिंग को कहते हैं मीनिंग, तुम्हारा मतलब स्पेलिंग ओ आर डी ई आर, इसको तुम मीनिंग कह रहे हो, स्पेलिंग है मीनिंग, तो इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन का अर्थ होता है ध्वनि, तो फोन का मीनिंग क्या होता है ध्वनि, या फोन का मतलब साउंड, क्लियर, स्पेलिंग को कहते हैं राइट ऑर्डर, एक शब्द में सुनो ध्यान से, एक शब्द में होते हैं स्पेलिंग, उसका मीनिंग, उसका उच्चारण प्रोनंसिएशन, नो प्रोनंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन, गुरुजी को धोखा देना मेरी तरफ से, कौन पढ़ाता अंग्रेजी तुम्हें, अच्छा कोई पढ़ा लेता आके, अच्छा प्राइवेट में पढ़े हो क्या, और बारहवीं में किसने पढ़ाया, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं वो गांव में आते हैं लड़के कई बार बेचारे छोटे कस्बों से शहरों से, उनका ये हाल मिलता है, अब ये होगा प्रोनाउंस तो होता है उच्चारण करना, ये फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की, इसका इसको बोलते हैं प्रोनाउंस, क्या बोलते हैं, और ये बोलते हैं प्रोनंसिएशन, अब बोलो इसको, गुड ये है संज्ञा, और फिर उसका होता है नंबर चार पर प्रयोग, तो एक शब्द के चार एस्पेक्ट्स होते हैं, चार पहलू होते हैं, एक शब्द जब भी होता है ना उसके चार पहलू होते हैं, ठीक है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, हालांकि प्रोनंसिएशन नंबर दो पर आना चाहिए, स्पेलिंग के बाद बोलना तो आना चाहिए ना, फिर उसका अर्थ पता होना चाहिए, फिर उसका प्रयोग क्या है, यूसेज, यूसेज क्या होता है प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग आप कैसे करोगे, मान लो आपको अर्थ भी पता है उच्चारण पता है आपको, प्रयोग सेंटेंस में लिख के दिखाओ, सर मुझे नहीं पता, इसका मतलब आपको क्या नहीं आता, प्रयोग नहीं आता, यूसेज नहीं आता, जैसे मान लो मैंने लिखा है ये शब्द लिख दिया, मैंने कहा आपने कहा सर उसका मुझे स्पेलिंग भी आती है, मीनिंग भी आता है, साउंड भी आता है, मैंने प्रयोग आता है, उसे सेंटेंस में नहीं लिख सकता मैं, इसका मतलब आपको यूसेज नहीं आता, तो जब भी कोई शब्द पढ़ते हो उसके चार एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए, चार एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर, ठीक है, जैसे मान लो मैंने शब्द लिख दिया, ये देखो शब्द लिख दिया ब्राइन, आपने सर ये क्या होता है ब्राइन, मैंने कहा भाई ब्राइन का अर्थ होता है खारा नमक वाला, जैसे ब्राइन वाटर इसका मतलब है सॉल्ट वाटर, मतलब नमकीन पानी, जो समुद्र का पानी खारा होता है तो ब्राइन होता है सॉल्ट राइट, उसके अर्थ में सॉरी सॉल्ट वाटर के लिए आता ब्राइन, ठीक है, अब मैंने स्पेलिंग बताई, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, बी आर आई एन ई, ये है स्पेलिंग, अब मैंने कहा व्हाट्स द मीनिंग राइट, ये होगा ब्राइन, अब मैंने कहा यूसेज करो, तो सर अब मैंने कहा सेंटेंस बनाओ, अब आप रुक गए या सोचने लग गए, यस बोलो शाबाश, ए बोलो बोलो डरा मत करो, ए सी हैज ए लॉट ऑफ ब्राइन,
हो गया ना ये, हाँ फुल, हाँ द सी इज फुल ऑफ, ऐसा हाँ वो भी ले सकते हैं आप, वन सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखो आपने प्रयोग भी कर दिया ना, तो पहला काम था स्पेलिंग बी आर आई एन, फिर इसका उच्चारण ब्राइन, तीसरा इसका मीनिंग सॉल्ट वाटर, और चौथा इसका प्रयोग यूसेज। ऐसे चार एस्पेक्ट्स होते हैं किसी शब्द के, ठीक है। जब भी कोई शब्द पढ़ते हो ऐसे देखा करो, आपको चारों आते हैं क्या, ऐसे देखा करो, और जो आपको चारों बताए वो सही ट्रेनर होता है। स्कूल कॉलेज में अच्छा काम हो सकता है इन चीज़ों पर होता नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ तो हमारे पास कम टाइम होता है, हमें तो फटाफट बताना पड़ता चीज़ें, राइट वेल, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो शब्द, इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, इसका अर्थ आदेश भी होता है, इसका सीक्वेंस भी होता है, क्रम। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिसऑर्डर, ये होता है बिगड़ा हुआ क्रम, रॉन्ग सीक्वेंस। तो एट सिक्सिस एंड सेवंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, क्या होता है, राइट right. जैसे मैंने कहा ऑल योर बुक्स, ठीक है, आर लाइंग एट सिक्सिस एंड सेवंस, देखो आ गया ना, ये मैंने यूज कर दिया, इसका मतलब तुम्हारी किताब बिखरी पड़ी है, उठाई इनको, मैंने कहा हुआ, अब देखो इसका मीनिंग भी आ गया, सब आ गए, हाँ लाई मतलब पड़े रहना, लाई में आईजी लगाइए, लाई झूठ बोलना भी होता है लेकिन उसकी सेकंड अलग होती है, देखो सुनो, लाई लाइड और लाइट, और एक होता है लाई ले और लेन, अलग अलग है ना, स्पेलिंग अलग अलग है पर फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ठीक है। तो इसका अर्थ झूठ बोलना, जब लाई में डी लगता है, लाई में क्या लगता है, डी, तो ये होता है आपका झूठ बोलना, और जब लाई का अर्थ ले और लेन या लेटना, ही ले ऑन द बेड पीसफुली, शांति से लेट गया, राइट वहां पर आएगा, तो लाई ले ऐसे ध्यान रखा हो। तो ये किस में, आई ई में वाई आईजी लगाते तो वाई हो जाता है, जैसे डाई में आईजी लगाओ डाइंग हो जाएगा, और टाई में लगाओ टाई बांधना, सेकेंड थर्ड फॉर्म में डी टाई टाइड टाइड, अब इसमें आईजी लगाओ तो क्या होगा, टाइंग हो गया ना। तो जिन शब्दों में फर्स्ट फॉर्म में आई ई आता है, आईजी लगाते तो आई का वाई बन जाता है, क्या बन जाता है, उल्टा भी तो होता है ना, वाई का आई भी तो होता है, कहां पर, तो वाई का आई बताओ, बताओ सही बोल चल रहे हो, ड्राई क्रिया भी है विशेषण भी है, राइट, ड्राई ड्राई सुखाना, सेकेंड फॉर्म सुखाया क्या बनेगी, अब देखो उल्टा हो गया, डी आर वाई, अब वाई का देखो आई हो जाएगा, ये आ गया डी आर आई ई, आ गया ना, रिवर डी, ऐसे उल्टा भी होता है, आई का वाई भी होता है, ओके ध्यान रख, ये स्पेलिंग रूल्स होते हैं कुछ, ये छठी पांचवी वहां तक तैयार, हाँ वही उससे गड़बड़ हो जाती। चलो इनको कॉपी कर लो, कुछ खास काम की चीजें कॉपी कर लो, प्रयोग ये लिख लो जरूर, मुहावरे का प्रयोग लिखो सभी, ये ब्राइन का ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, एक्स्ट्रा चीज छोड़ देना, ये जरूर लिखना लाइव वाला, ठीक है भाई, लड़का 6-7 महीने यहां रह जाए ना तो तैयार हो जाता कंप्लीटली, उसे फालतू इंग्लिश के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता निकल जाओ, नहीं होता थोड़ा टिके रहो, टच में रहो लगातार, वहां पर आप 12-15 साल दे के आ जाते हो, यहां पर आप 6 महीने देने में सोचते हो दूं कि नहीं दूं, सोचते हो ना, ये गड़बड़ हो जाती है। आदमी को लंबी पारी समझ के खेलना चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम को, आप सोचते हो 2 महीने में फटाफट करके भाग जाऊं, डन ओके। एक मुहावरा तुमने और लिया है, ये तो हो गए कंप्लीट आपके, पार्ट ऑफ विजडम लिखा कि नहीं लिखा आपने, पीछे वाला लिखा, ये लिखा था, ए पार्ट ऑफ विजडम मीनिंग क्या था, ठीक है, ये मैंने आगे कराई दिया, राइट ये कंप्लीट हो गया, ये फॉर्म लिख ली, ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट। एक ये तो तुम्हारे पूरे हो गए इधर। अच्छा अब देखो, अब एंटोनिम दे रखे हैं, लिख लो बेशक। पहला लिखा है क्रेविंग, सी आर ए वी आई एन जी। ओके, क्रेविंग किससे बनाए? क्रेव से बनाए। किससे बनाए? क्रेव, सी आर ए वी ई। क्रेव होता है इच्छा करना, और क्रेविंग होती इच्छा, डिजायर। क्या होती है? तो क्रेविंग का मतलब होता है डिजायर, विश, राइट। और एक इसमें होता है लॉन्ग, लॉन्ग भी इच्छा, नाउन भी है लॉन्ग, लॉन्ग का तो इच्छा भी होती है। और एक लॉन्ग का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। ये तो इसके सिमिलर वर्ड्स। अब इसने पूछा एंटोनिम बताइए। ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। क्रेविंग इच्छा, इसका डिसलाइक होगा। तुमने कह दिया कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी तो होती है संतुष्टि होने की अवस्था, कि आप संतुष्ट होना, तो यू आर इन कॉम्प्लेसेंसी। आप करना चाहिए था डिसलाइक। क्या होगा इसका? इसने पूछा विलोम शब्द बताइए, तो आपको बताना है ऑपोजिट। क्या बताना है? डिसलाइक। यर्न, यर्न इच्छा होती है, डिजायर, ठीक है। यर्न, लॉन्ग, विश, डिजायर, क्रेविंग। क्रेविंग होती है तीव्र इच्छा किसी चीज को प्राप्त करने की, पैशन। और डिसलाइक होता है उसके प्रति नापसंद का भाव, वो चाहने का भाव, वो नापसंद का भाव। यही तो होगा ना, लाइक तो पसंद, डिस्कम्फर्ट असुविधा, और कॉम्प्लेसेंसी क्या होती है? संतुष्टि। तो कुछ नहीं हुआ। अब देखो आगे, अगला पॉइंट लेते हैं। आगे शब्द दिया है ऑब्स्क्यूर। क्या दिया है? ऑब्स्क्यूर। इसका अर्थ धुंधला, अस्पष्ट, अनक्लियर। स्पेलिंग क्या है नीरज? पढ़ो भाई, स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग पढ़ो। इसका अर्थ होता है अनक्लियर। क्या अर्थ होता है? अनक्लियर, ब्लर्ड, ब्लर्ड हो सकता है। बी एल यू डबल आर ई डी, ब्लर्ड। बी एल यू डबल आर ई डी, ब्लर्ड। और ये हो गया अनक्लियर। एक लिखो वेग, वी ए जी यू ई, वेग। वेग भी होता है धुंधला, स्पष्ट। एक लिख लें यहां पर आपका ओपेक। ये सब सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट पूछा इसने, ऑब्स्क्योर धुंधला। अब बताओ क्या होगा? मर्की, मर्की भी धुंधला, गंदा, गंदला, एम यू आर के वाई। वेग भी धुंधला। अनसर्टेन क्या होता है? अनिश्चित, अनक्लियर, अनसर्टेन है ना। और ऑब्वियस क्या होता है? स्पष्ट। कौन सा होगा? ऑब्वियस ही होगा ना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियस। ये ऐसे कर दो, ऑब्वियस। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये नहीं करके आए? कोई बात नहीं, ठीक है, नेगेटिव मत सोचो। अभी तो चांसेस हैं बस, तो फिर क्या टेंशन लेना। पहला अटेम्प्ट था क्या ये? कोई बात नहीं, पहले में तो गलतियां हो जाती है, ठीक है। माथे में नहीं लेना नेगेटिव चीजों को। अगले में देखते हैं, क्यों वो गलत कर तो भी गलत जाता। अब पकते पकते धीरे धीरे तुम्हें पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा भाई। ध्यान तुम्हारा अच्छा है, तुम सही फोकस करते हो। अब क्या करना, बस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी कतई भी। आगे चले, एक अगला शब्द दिया इसने मॉन्यूमेंटल।
राइट मॉन्यूमेंटल होता है शानदार बढ़िया, उस अर्थ में आएगा मॉन्यूमेंटल। अब देखो इसे वाक्य देखो आप, एक तो वो तो मॉन्यूमेंट स्मारक होता है, ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट। इसने कहा वाक्य पढ़ो, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मॉन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर्स। टीम की जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 सालों में शानदार रही है, तो बढ़िया हो गया। अब तुमने इसका आंसर सही दिया है, तुमने लिखा अनइम्प्रेसिव, ऑपोजिट है ना, ये तो होता है इंप्रेसिव शानदार, ठीक है, इनॉर्मस मेमोरेबल स्ट्राइकिंग, तीनों सिमिलर हैं। अब इसमें तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, क्या है ऑपोजिट अनइम्प्रेसिव, मतलब कोई खास नहीं। अनइम्प्रेसिव क्या होता है, कुछ खास नहीं उसे कहते हैं। चलो ठीक है, कल ही पेपर ले आना, किसको दे रखा था, अच्छा नहीं अपने पास रखा करो, ठीक है कल और करेंगे, ये पढ़ कर आने जितने आज कराए मैं वो अपने आप करा दूंगा, हमारी तो हो गई ना शायद।